क्या आपको मालूम है YouTube पे 7 तरह की वीडियो ऐसी होती हैं जिसका वॉच टाइम काउंट नहीं होता। दोस्तों जब भी हम अपना कोई नया YouTube पे चैनल बनाते हैं तो जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है तो सबसे जो जरूरी होता है वो होता है कि 4000 घंटे का वॉच टाइम हम कैसे कंप्लीट करें। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। नंबर वन होता है स्टोरी। आप लोग जानते हैं कि YouTube पे जब भी हम कोई स्टोरी डालते हैं हमें बताना होता है कि आज हमारी ये वीडियो आने वाली है, तो एक छोटी सी स्टोरी हमने YouTube पे डाल दी। जब आपका चैनल मोनेटाइज के लिए जाता है तो उस स्टोरी को जो लोग देखते हैं उनसे जो वॉच टाइम मिलता है वो वॉच टाइम मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होता है। नंबर दो, आप यूट्यूब पे जब भी कोई शॉर्ट्स डालते हैं, आपको मालूम है शॉर्ट्स का सबसे ज्यादा बोलबाला रहता है यूट्यूब पे, तो शॉर्ट्स जिसके पास भी पहुंचती है वो स्वैप करता हुआ आपकी वीडियो को देखता जाता है। उस पे आपके चाहे 50 मिलियन व्यू आ जाए लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसका जो वॉच टाइम मिला होगा आपको वो वॉच टाइम मोनेटाइजेशन में काउंट नहीं होगा। नंबर तीन, आपने अगर कोई लाइव स्ट्रीम किया, मान लीजिए मैंने 1 घंटे का कोई लाइव स्ट्रीम किया और उस पर मुझे जितने भी व्यू मिलेंगे लाइव स्ट्रीम पे, अगर मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूं या प्राइवेट कर दूं या अनलिस्टेड कर दूं, उसका कोई भी वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। लाइव स्ट्रीम की हुई वीडियो को पब्लिक कर दूंगा तभी मेरा वॉच टाइम मोनेटाइजेशन के लिए काउंट होगा। अब बात करते हैं चौथे तरीके की। आपने गूगल एड्स के जरिए कोई वीडियो अपनी अपलोड की, गूगल एड्स के जरिए आपने प्रमोशन कराया, तो उस पर जितने भी व्यू आपको मिलेंगे वो व्यू काउंट हो जाएंगे। उस पर अगर सब्सक्राइबर आपको मिलते हैं तो वो भी काउंट आपके हो जाएंगे। मोनेटाइजेशन के लिए जब अपनी वीडियो को भेजेंगे, जब मोनेटाइजेशन में वो चेक करेंगे, तब आपका जो भी वॉच टाइम वहाँ मिला होगा वो काउंट नहीं होगा। नंबर पाँच, आप मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया, यूट्यूब पर अपलोड किया और आपका वीडियो चल गया, उस पर अच्छे खासे मिलियनों में जाके व्यू भी आपके आ गए मान लीजिए, और आपने अपने चैनल को जब मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं अप्लाई करते हैं, तो अगर उस टाइम पे आपने जो आपकी वीडियो चली है उसको अनलिस्टेड कर दिया तो उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। छठवां तरीका, अगर मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया, उसको अपलोड कर दिया, उस पर अच्छे खासे व्यू भी आ गए और वॉच टाइम भी उस पर आ गया, लेकिन अगर मोनेटाइजेशन के टाइम पे आप उस वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं तो उस पर मिला हुआ वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। अब सबसे आखिरी तरीका बचा है नंबर सात, वो मैं आपको बता दूं कि आपने कोई भी वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया और उस पर अच्छे खासे व्यू भी आपको मिल गए, सब्सक्राइबर भी मिल गए और वॉच टाइम भी मिल गया, लेकिन जब आपने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजा और उस वीडियो को उस टाइम पे आपने डिलीट कर दिया तो उससे मिला हुआ टाइम भी आपका काउंट नहीं होगा। प्लस इन सातों तरीकों के अलावा आपका जो भी वॉच टाइम होगा वो वैलिड पब्लिक वॉच टाइम माना जाएगा। आई थिंक अब आप सब लोगों की सभी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जिसको किसी को जानकारी नहीं है उसको अच्छी खासी जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।